हिमाचल प्रदेश के सोलन में परवानु में मौजूद टिम्बर ट्रेल रोपवे बीच में ही फंस गई और रोपवे में पर्यटकों के साथ केवल कार ट्रॉली भी फंसी हुई है। वहीं इस हादसे में 11 लोग 150 फीट की ऊंचाई पर फंस गए। हालांकि प्रशासन ने रस्सी की मदद से 8 लोगों को रेस्क्यू कर लिया है जबकि 3 का रेस्क्यू जारी है। वहीं एसपी सोलन वीरेंद्र शर्मा ने पुष्टि करते हुए बताया है कि दोपहर करीब 1:30 बजे परवानु के टीटीआर में तकनीकी दिक्कत आने के कारण केबल कार बीच में ही अटक गई और जिसके कारण ट्रॉली में मौजूद पर्यटक हवा में ही फंस गए। वहीं उन्होंने बताया कि पर्यटकों के रेस्क्यू के लिए दूसरी ट्रॉली भेजी गई, साथ ही रोपवे की सर्विस भी की जा रही है। वहीं केबल में फंसे पर्यटकों ने बताया है कि वो लोग रिजॉर्ट जा रहे थे और तकनीकी दिक्कत आने के कारण यहां पर टिम्बर ट्रेल फंस चुकी है। वहीं पर्यटकों ने कहा कि रेस्क्यू ट्रॉली के माध्यम से उन्हें नीचे उतारने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं तकनीकी टीम जल्द से जल्द केबल कार सर्विस को ठीक करने की कोशिश कर रही है। वहीं पुलिस भी पूरी स्थिति पर नजर बनाए हुए है। आप कहाँ से आए? मैं तो दिल्ली से आया था, मेरा शुगर का मरीज हूँ मैं। आप अपने मैनेजमेंट को क्यों नहीं बोल रहे? क्या कार्रवाई कर रहे हो? घंटे से बताओ कैसे उतारोगे इन लोगों को? सब्सक्राइब करें और अलर्ट्स के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। और हाँ दोस्तों, साथ ही हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलिए।